In the last class, I had already summarized the chapter very nicely, political parties. And even if you're going with that summary with those notes, that is more than enough. मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज उसके अंदर मैंने जब किया था, आई शेयर इट विद यू, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. और पॉलिटिकल साइंस में सबसे इजी रहता है व्हेन यू नो कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन फॉर दिस. अब हमें पता है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर इट्स फंक्शन, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या रहेगा अगर इफ यू नो देन यू कैन इजिली राइट द आंसर्स, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी. पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस. मतलब सबसे पहले डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी में हम सबसे पहली बात क्या बोलते हैं? इलेक्शंस. ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये अजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में आते हैं. सबसे पहला डेमोक्रेसी मीन्स जहां इलेक्शंस होते हैं, जहां लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वेयर द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो पीपल किसको इलेक्ट करते हैं? दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स. और रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज. फॉर मोस्ट सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज. इफ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, यू वुड नो उनको कुछ नहीं पता अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट एनीथिंग. आई रियली एम टेलिंग यू, वन डे इट हैपेंड विद मी ओनली. आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर द वोटिंग, वोट ओनली. आई थिंक इट वॉज लास्ट वाला जो 2019 वाला था. एंड वन ऑफ द पर्सन, इवन दो वी आर नॉट सपोज टू से, लेकिन ही वॉज यू नो लेस एजुकेटेड, तो ही वॉज सेइंग भाई हम तो मोदी जी को देंगे. एंड उस वक्त में मेरा तो जो, आजकल तो मैंने थोड़ा भगवान से कसम खा रखी कि मैं बात नहीं करूंगी, और मेरा वो टीचिंग इंस्टिंक्ट वहां स्टार्ट हो जाता है. एंड आई वॉज लाइक सपोज टू आस्क दैट पर्सन कि भाई तुम मोदी जी को क्यों देंगे, तुमने तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को देना है ना. द रिप्रेजेंटेटिव्स लीडर इज मोदी जी. बट देन आई अंडरस्टूड दिस वर्ड कि दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दे नो अबाउट द लीडर्स और दे नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. द ओल्डर पीपल, जो लोग आपके दादा या दादी वगैरह होंगे ना, दे वुड बी मोर यू नो डिवोटेड टूवर्ड्स द ओल्डर पॉलिटिकल पार्टीज. रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को देखा होता है, तो दे आर मोर ऑन टू उनको देखते हैं. या अगर उन्होंने चेंजेस देखे होते हैं तो दैट इज दैट डिपेंड्स. तो हम लोगों को जो है, वी डोंट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट द पार्टी, अबाउट द पार्टी प्रेसिडेंट, द लीडर्स. एट द सेम टाइम विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल द रॉन्ग. भाई डेमोक्रेसी है, सर्टेन रूल्स हैव टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि ऐसा हुआ था तो दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. सो दैट इज वाई टूडे पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन. Why it is called as social and political division का मतलब होता है, अगर आप अपने ही घर में देखोगे, means within the family, there might be two people who will be supporting one particular political party, यानी कि social division, and political division again because we have different kinds of political parties. So now the question is, do we need? तो क्या है? Why it has become ऑमनी प्रेजेंट? द मीनिंग ऑफ ऑमनी प्रेजेंट है ऑल ओवर, प्रेजेंट ऑल ओवर. अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज द डेफिनेशन, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. बेसिकली दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. आम आदमी पार्टी, आपको मतलब मेरे को, मुझे वो सबसे इजी रहता है बताना. द रीजन इज आम आदमी पार्टी जो है, इट इमर्ज फ्रॉम वन ऑफ द मूवमेंट. अन्ना हजारे जी ने ये मूवमेंट लिया था जिसके अंदर देर वर मेनी प्रोमिनेंट लीडर्स एज वेल एज पीपल लाइक
अरविंद केजरीवाल एंड अदर पीपल, एंड एट दैट टाइम दे ऑल केम अप विद वन थिंग जिसको उस वक्त में लोक अदालत बोला था, मतलब दैट वाज द मेन आइडिया, एंड दे फॉर्मड अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पड़ा था आम आदमी पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, व्हेन पीपल हैविंग सिमिलर फिलोसफीज पॉलिसीज थॉट्स फॉर द वेलफेयर कम टूगेदर. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, पार्टीज ट्राई टू पर्सुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स. दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज व्हेन दे विन द इलेक्शन. मतलब कोई कहता हम गरीबी को हटाएंगे, कोई कहता हम गरीबों को ही हटा देते हैं, कोई कहता है हम जो है इन्फ्लेशन को हटाएंगे, कोई कहता है हम अनएम्प्लॉयमेंट को सीख करेंगे. तो दे हैव डिफरेंट एंड दे ट्राई टू टेल कि किस डिसीजन की वजह से ओवरऑल ग्रोथ हो सकती. द पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डिविजन इन अ सोसाइटी. पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वॉल्व पार्टिजनशिप. मैंने आपको उस दिन बताया था दैट जो पार्टिजनशिप है इट इज अ वन मार्कर क्वेश्चन एंड दिस हैज कम इन द MCQ. आपको नीचे के लिखा हुआ आ गया एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज इट. पार्टिजनशिप का मतलब होता है व्हेन यू आर सपोर्टिंग अ पार्टी इट्स फिलोसफीज एंड मे बी उसकी फिलोसफी उस वक्त में या प्रिंसिपल थोड़ा गलत है बट यू आर नॉट एबल टू टेक अ बैलेंस डिसीजन. यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्टी. पार्टिजन अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन एंड पार्टिजनशिप इज अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू. ये आपके बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया था इन वन मार्क. मीन्स द पार्टी द पर्सन विल बी सपोर्टिंग इन एट ऑल कॉस्ट. नाउ व्हाट आर द थ्री कॉम्पोनेंट. पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स. ये जो क्वेश्चन है इट हैज कम इन थ्री मार्कर. इट हैज कम इन थ्री मार्कर राइट. ये हमारा है तीन मार्कर क्वेश्चन और जो आपका पार्टिसनशिप है दैट हैज कम इन वन मार्क. First leader, who is the leader? The person who might lead that party or the person may be the founder member. Second, जो लोग उस पार्टी के philosophies को spread करने में help कर रहे हैं. Those who are actively working, because there are two kinds of members, active members and passive members. Passive members होते हैं जो party को support करते हैं but they don't come in the forefront. आगे आकर काम नहीं करते हैं. एंड द फॉलोअर्स जो उस पार्टी के फिलोसफीज को फॉलो करते हैं मे बी थ्रू द वोट्स और मे बी थ्रू द बिकमिंग द मेंबर. सो द थ्री कॉम्पोनेंट्स आर लीडर्स एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. नाउ व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू. इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से आ सकता है. देयर माइट बी दिस हैज कम इन अ फाइव मार्कर. The question may be, what does a political party do? Ya fir write any five functions. Political parties perform many functions. Explain any three. Right? Dono taraf se aate hain. Lekin aapke dimaag mein kaun sa question kahan se aayega? Function se. And there is nothing like aapko 1, 2, 3, 4, 5 karke likhna hai. You can write any थ्री और फाइव. लेकिन लर्न आपको याद आपको सारे रखने पड़ेंगे. फर्स्ट पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस क्लास 10. इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ. इन 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 केस यू फॉरगेट ये जो आपके बोल्ड में लिखे ना इन्हें याद रखना ठीक है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यही फंक्शंस है. फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का मेन मुद्दा ही है टू कंटेस्ट इलेक्शन. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स.
हमारे यहाँ तो कैंडिडेट्स के बीच में होता है. एंड पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कैसे होता है, व्हाट डज इट हैपन, से देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट? उस पॉलिटिकल पार्टी के नीचे देयर माइट बी 100 कैंडिडेट. नाउ इट इज अ लीडर जो चूज करेगा कि इनमें से कौन कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा. एंड ऐसे हर पार्टी करती है, एंड जो पार्टी विन करती है उसका लीडर बनता हमारा प्राइम मिनिस्टर. वेयर एज इन कंट्रीज लाइक यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स. यानी कि वहां जो लीडर्स है ना, दे हैव, उनके बीच में होता है कंटेस्ट. लाइक अभी हो रहा है, ट्रम्प एंड कमला हैरिस हैव कम अप एज अ टू पार्टीज आए हैं. अब इनमें से जो आएगा जीत कर वो अपने मेंबर्स को बाद में चूज करे. नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड. इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, जो आपको मैंने यहां बताया. ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट याद रखना है वो है पार्टी चूज और पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस. सेकेंड इज पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. अपने जिसको हम लोग अपने मतलब कि इन द पॉलिटिकल वे वी कॉल इट एज मैनिफेस्टोस. क्या बोलते हैं हम इसको, मैनिफेस्टोस. द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज मैनिफेस्टोस. मैनिफेस्टोस मतलब इफ द पॉलिटिकल पार्टी कम्स इन टू पावर, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज को लेकर आएगी या चेंज करेगी. ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सूटेबल. मेरे लिए जो पॉलिसीज है मे बी इट इज नॉट फॉर समवन, बट जो लार्जर होगा, जिस चीज को जो चाहता है वो पार्टी आ जाती है. बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज इन अ डेमोक्रेसी. लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव बीन ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट. लाइक अगर हम बोलते हैं वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा, बट मोस्टली हम लोग लेकर चलते हैं कॉमन वेलफेयर. सबको क्या चाहिए होता है और उसको लेकर द पॉलिसीज आर फॉर्म. दिस इज व्हाट पार्टीज डू. अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस, मल्टीट्यूड मीन्स मेनी, इनटू फ्यू बेसिक. जैसे मैंने आपको बोला बेसिकली सबको क्या चाहिए, एवरी वन वॉन्ट्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी वन वॉन्ट्स गुड फूड, एवरी वन वॉन्ट्स पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो बना. एंड अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज बाय द रूलिंग पार्टी. वॉट इज रूलिंग पार्टी, जो जीतती है पार्टीज. थर्ड इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग द लॉ. लॉ बनाने में वो लेजिस्लेट करती है. इन द पार्लियामेंट दे पुट फॉरवर्ड द इश्यूज फॉर अ कंट्री. सॉरी, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ट, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो टू द बाय द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप. नॉर्मली इवन हमें ना भी पसंद हो तो भी हम लोग उस लॉ को बनाने में हेल्प करते हैं. मतलब दोज हु सपोर्ट दैट पार्टी. पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. जो जीत कर आती है दैट विल फॉर्म द गवर्नमेंट. एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर. सो द पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम, देन मेक द मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वॉन्ट. हर एक उसमें आपने देखा होगा, नॉट एवरी वन बिकम्स अ मिनिस्टर, नॉट एवरी वन बिकम्स अ मिनिस्टर. अमित शाह हैज बीन द होम मिनिस्टर फॉर द पास्ट थ्री टेन्योर. वाई? निर्मला सीतारामन हैज बीन द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द पास्ट थ्री. वाई? बिकॉज उनको ट्रेनिंग मिली है, दे हैव बीन एफिशियंटली हैंडलिंग दैट पोजिशन.
तो उनको उन पोजीशंस के लिए तैयार किया जाता है। दोस पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। राइट नाउ हमारे उसमें एनडीए इज अ रूलिंग पार्टी, बीजेपी, एंड हमारा ऑपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस है। एंड हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन का जो लीडर होता है ही गेट्स इक्वल सैलरी टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? जो रूलिंग गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, उसको जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी हमारे यहाँ ऑपोजिशन को मिलती है। उसके लिए देर इज अ क्राइटेरिया। वैसे तो ऑपोजिशन इज ऑल जो जी हारता है, लेकिन राइट कौन फर्स्ट ऑपोजिशन है? द पर्सन हैज लॉट्स ऑफ पावर्स। दे मे वॉइस द डिफरेंट व्यूज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसी। ऑपोजिशन ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अपनी आवाज उठाते हैं, वो पहुंचे या ना पहुंचे, एटलीस्ट दे उठाते हैं। देयर शुड बी समबडी ना। अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन? सोचो, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन, तो आप लोग क्या लिखोगे? इफ ऑपोजिशन इज नॉट देयर, देयर वुड बी नो वन टू करेक्ट एनी मिस्टेक मेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। तो ऑपोजिशन का होना जरूरी है। ऑपोजिशन एक तरह से चेकर है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब जो पब्लिक चाहती है। पब्लिक ओपिनियन मीन्स व्हाट पब्लिक नीड्स, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। दे रेज द इश्यूज। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस। व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? आपके इस चैप्टर में तो है, लेकिन ये पहले एक पूरा अलग चैप्टर था। प्रेशर ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ पीपल, हु इनडायरेक्टली प्रेशराइज गवर्नमेंट फॉर सर्टेन डिसीशंस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन। आप लोगों को नेशनलिज्म इंडिया याद है? उसमें बिजनेसमैन ने फिक्की बनाया था, FICCI, इफ यू रिमेम्बर। फिक्की इज अ प्रेशर ग्रुप, मींस दे वुड कम एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट। लाइक गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया, मतलब मैं जनरल एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट पे फोर्स करेगा टू रिड्यूस दैट। पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑफन ओपिनियंस इन सोसाइटी क्रिस्टलाइन ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी स्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अभी वी ऑल नो दैट देर वॉज अ मैसेकर इन कोलकाता, एंड देन देर वॉज अ मेजर मिसहैप इन दिल्ली एट वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन। तो जो रूलिंग पार्टी थी उसके साथ में बाकी पार्टी, जो बाकी पार्टी थी उन लोगों ने इवन दे हैड लॉन्च द मूवमेंट। दिस वे दे ट्राई टू शेप अप द ओपिनियन कि लोग क्या चाहते हैं। पार्टीज प्रोवाइड, ये उस दिन आपको मैंने बताया था, पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी मेंबर देन एन गवर्नमेंट ऑफिसर। उस दिन आपको बताया था ना, आप किसी डीएम को या मजिस्ट्रेट को जाकर नहीं कर सकते हो, बट आपका जो लोकल एमएलए है या एमपी, आप उसको शिकायत लगा सकते हो। आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल। व्हेन आई वाज इन माय सर्विस इन स्कूल, हमारे स्कूल के एकदम सामने जो सड़क थी ना, वो बिल्कुल खराब हुई थी। एंड डेफिनेटली इट्स अ स्कूल एरिया, एंड वो एरिया एक्चुअल में इट्स नॉट, वहां पे ट्यूजडे मार्केट वगैरह भी लग जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, कई बार इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ द पीपल टू ट्रैवल। Then what happened is we had I was the one who had written the application and all. हम लोगों ने जाकर डीएम को दिया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, he did nothing. फिर मतलब कि we went to the local MLA, कौन सी थी वो, डॉली बहन थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, प्रीति, प्रीति बहन।
आई हैड गॉन टू हर हाउस इन विवेक विहार. वी वेंट देयर, हमने उनको एप्लीकेशन दिया. आप मानोगे नहीं, विद इन 1 वीक वहां पर पूरा जो हमारा रोड था वो बन गया. विद इन 1 वीक. दिस इज बिकॉज उनको पता है कि दैट इज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड इफ दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट गेट द वोट. सो फॉर अ कॉमन पीपल इट इज इजी टू एक्सेस अ पॉलिटिकल लीडर रादर देन एनी ऑफिसर. दैट इज वाई वी दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन दो वेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम. पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. एंड दिस इज अ रियल एग्जाम्पल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? क्या जरूरत है? जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्या वहां रूलिंग नहीं होती है? देन यू कैन नॉट कॉल इट एज डेमोक्रेसी. दैट वुड बी मोर लाइक एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी. फिर वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होगा ना, वो तो फिर वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा. दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ये सारे फंक्शंस हैं. अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है या आया है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. ये यही क्वेश्चन है, ये ऐसे आता है. एंड इट हैज कम इन 3 मार्कर. ठीक है, व्हाई वी नीड? फर्स्ट, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. भाई अगर हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, मिलके नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना खड़े होंगे. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस फॉर एनी मेजर पॉलिसी, क्योंकि मेजर पॉलिसी आप कैसे कर सकते हो? आई कैन डू फॉर माई एरिया, बट हाउ कैन आई डू फॉर एनी अदर एरिया? द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. वो फुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हाउ विल यू नो? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वॉट दे डू, बट नॉट फॉर द एंटायर कंट्री. इवन विथ पॉलिटिकल पार्टीज वी फेस दिस प्रॉब्लम्स. कई लोग जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, कई लोग कुछ नहीं करते हैं. तो अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या है? दे आर आंसरेबल. दे आर आंसरेबल. सबको अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ द रूलिंग पार्टी जो भी है, उनमें जितने कैंडिडेट्स इस वक्त में एमपीज हैं, या दे हैव टू लुक इन टू द मैटर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. यानी कि सब मिलके कर रहे हैं तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है डेवलपमेंट इक्वल होगा. तो दैट इज वाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. नेक्स्ट इज, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग इट एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स. यहाँ पार्टी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन पंचायत होता है. ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस द विलेज गेट स्प्लिट इन टू मोर देन वन फैक्शन ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स. मतलब वहां पर पार्टी सिस्टम प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, एक तरफ से वो एक पार्टी को तो बिलोंग नहीं करते हैं, बट दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स. दिस इज एग्जैक्टली वॉट पार्टी डस. दिस इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. As we have seen, large societies need representative democracies. As societies became large and complex, they also needed some agency. दस इंसान में एक इंसान को चूज करना इजी है, बट इफ देर आर 10 लाख पीपल, हाउ कैन यू चूज? सो देर इज समबडी जहां रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर आए एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल. दे नीडेड अ मैकेनिज्म
टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, रिस्ट्रेन मतलब क्रिटिसाइज, मेक पॉलिसी, जस्टिफाई या अपोज दम, और पॉलिटिकल पार्टी ये सारे काम करती है. दैट इज व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या आइडियल है? वन पार्टी, इट इज अनडेमोक्रेटिक. टू पार्टी, गुड. थ्री, फोर, फाइव, मेसी. तो कैसे, कितनी पार्टी पार्टीज होनी चाहिए? इज इट वी चूज इट इन डेमोक्रेसी? एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फॉर्म, आप भी कर सकते हो. एंड राइट नाउ देर आर अबाउट 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज विद इलेक्शन कमीशन. और हमारे यहाँ पर हु इज द अथॉरिटी? वन मार्कर क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इनमें से सारे सीरियस नहीं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए बने हैं. यूजुअली ओनली अ हैंडफुल पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. तो कितने होने चाहिए? इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज इलेक्टेड, जैसे चाइना आपका, जहां आपका कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल. ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, बट वहां होता नहीं है, वहां का इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा नहीं है. दे हैव टू ईदर बिकम द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उनके जो अलायंस है, यानी कि उनको जो सपोर्ट करते हैं उनको. सो वन पार्टी इज नॉट डेमोक्रेटिक. एनी डेमोक्रेटिक मस्ट हैव एटलीस्ट टू पार्टी, एटलीस्ट दो तो हो आमने सामने. इन सम कंट्रीज यूजुअली देर आर चेंजेस बिटवीन टू ओनली, जैसे आपका यूएस. सेवरल पार्टीज अदर्स में एग्जिस्ट कंटेस्ट, बट वहां पर उनको सारे लेजिस्लेचर्स नहीं मिले. एंड टू मे बी हैविंग अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द मेजोरिटी एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, लाइक यूएस एंड यूके, विच इज कॉल्ड एज टू पार्टी, विच इज आइडियल ऑल्सो. इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज आर देयर, उसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी. और इंडिया इज हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टूगेदर. हमारे यहाँ इवन देयर माइट बी वन सिंगल पार्टी एज विनर मेजोरिटी, और देयर माइट बी कोएलिशन और अलायंस, मतलब मिलजुल कर गठबंधन. When several parties in a multi-party system join hands for contesting elections and winning, it is called alliance or front. जैसे हमारे यहाँ पर है NDA, which is under BJP. Then we have United Progress, which is under Indian National Congress, and left front under आपका तृणमूल कांग्रेस. द मल्टी पार्टी सिस्टम अपीयर्स ऑफर ऑफन अपियर्स मेसी, क्योंकि नेचुरल है कि एक तो लोगों के पास इतने चॉइसेस नहीं है. दूसरा, व्हेन देयर इज एन अलायंस और कोएलिशन, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम मिलके किसी भी चीज को करते हैं ना, जो शर्तें लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव नॉट गॉट द मेजोरिटी, इफ आई हैव नॉट गॉट द मेजोरिटी एंड आई एम बीइंग सपोर्टेड बाय 10 पीपल, अब बोलो क्या मुझे वैसे फालतू में सपोर्ट करेंगे? मेरी खूबसूरत से चेहरे को देखकर सपोर्ट करेंगे? नो, दे वुड से कि इफ आई एम सपोर्टिंग आई वांट दिस. एंड समटाइम्स ड्यू टू दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इनस्टेबिलिटी इज देयर. इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनस्टेबिलिटी रहती, सो विच इज गुड. अब ये आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपका ये, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विच अ कंट्री कैन चूज. हाँ, भूटान इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नाउ इट इज प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टूवर्ड्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम. चाइना शुरू से पॉलिटिकल पार्टी रहा है, लेकिन शुरू से रहा है तो रहेगा नहीं होगा, रहा है लेकिन रहेगा नहीं हो सकता. इट इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल रीजनल डिविजन. हमारे यहाँ पर क्यों है? हिस्टोरिकली अब आप देखो तो इंडिया इज सच अ बिग कंट्री,
जहां इतने सारे सोशल डिविजन्स हैं। किसी को लगता है कि देयर मतलब कि जो उनका सोशल है उनको द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, सो दे हैव कम अप विद देयर ओन। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज इवॉल्व अ मल्टी पार्टी बिकॉज ऑफ द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। अगर हम कहें हम वन पार्टी में चले जाएं, वो भी आइडियल नहीं है बिकॉज दैट वुड बिकम अनडेमोक्रेटिक, दैट वुड बिकम अनडेमोक्रेटिक। हम कहें हम दो पार्टी में चले जाएं तो बाकी पार्टीज कहाँ जाएंगी अब तो हो ही नहीं सकता। सो देर इज नथिंग लाइक आइडियल। एज आई सेड, टू रजिस्टर योर सेल्फ यू नीड टू गो विथ इलेक्शन कमीशन। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेन आपका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, आरबीआई के पीछे। एंड इट रिकॉग्नाइजेज द पार्टीज इन टू वॉट वी कॉल एज नेशनल पार्टीज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो वॉट इज द क्राइटेरिया, ये वाला जो क्वेश्चन है इट कैन बी अ टू मार्कर क्वेश्चन एंड इट हैज बीन अ वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन। डेमोक्रेसीज दैट अलाउ फॉलो अ फेडरल सिस्टम हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब वन इज आपका नेशनल पार्टी और दूसरे हमारे स्टेट असेंबलीज के लिए, जो जो स्टेट्स हैं उनके लिए, तो वो रीजनल में आ जाते हैं। दिस इज इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज कॉल्ड नेशनल पार्टीज। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज फॉलो द सेम पॉलिसी प्रोग्राम स्ट्रेटजी जो नेशनल डिवाइड में होता है वही वहां पर इंप्लीमेंट होता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद द इलेक्शन कमीशन। While the commission treats everyone equally, but it offers special facilities to large and established parties. इनको unique symbol, only the official candidates of that party can use that election symbol. Parties that get this privilege, some other facilities are recognized by election commission for this purpose. बड़ी parties कहते हैं और इनको हम recognized political parties कहते हैं। जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज हैं, आईएनसी, बीजेपी, ये द इलेक्शन कमीशन जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड भी है, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट व्हेन यू रजिस्टर द गवर्नमेंट, द इलेक्शन कमीशन गिव्स यू दैट प्रिविलेज। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स जो आपको चाहिए होता है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज अ स्टेट पार्टी। यानी कि उस पार्टी को जब इलेक्शन हुए जितने आपके वोट थे उसमें से 6% वोट मिला है, या आपका जो वोट के प्रोपोर्शन में हमें सीट मिलता है तो वो सीट उनके पास 2 है। अ पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। वी हैव मेनी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वी हैव 6। वैसे तो और भी हैं, आम आदमी भी है, बट अभी हम 6 ही पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ रहे हैं आम आदमी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एमपीसी। इनमें इन्होंने सीपीआई एम को निकाल दिया है, सॉरी सीपीआई को निकाल के इन्होंने सीपीआई एम को डाल रखा है, राइट। आम आदमी पार्टी, यू नो राइट नाउ इट इज द दिल्ली गवर्नमेंट में है एंड आई थिंक योर प्राइम चीफ मिनिस्टर राइट नाउ इज आतिशी। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012 एंड इट वॉज फ्रॉम द एंटी करप्शन मूवमेंट। आपको मैं अभी ऊपर ही बताया था, अन्ना हजारे जी ने जब स्टार्ट किया था फॉर द लोक अदालत, ये तब स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज अकाउंटेबिलिटी। आपको जो लर्न करना है अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स विदाउट एनी करप्शन,
ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नमेंट. इन द ईयर इट हैज इमर्ज आर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली लेजिस्लेटिव. इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विथ सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल्सो द थर्ड फ्रंट इन पॉलिटिक्स इन गुजरात एंड प्रेजेंटली इट इज इन पंजाब एंड दिल्ली. इनका काफी है बट बाकी वी ऑल नो. बीएसपी पेपर में बीएसपी से रिलेट करके इसके आइडियोलॉजीज किससे लिए गए थे आइडेंटिफाई करने के लिए. आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है द आइडियोलॉजीज विल बी गिवन एंड यू माइट बी आस्क्ड और द फाउंडर मेंबर. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर कांशीराम एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द बहुजन समाज यानी कि दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटीज. इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम टीचिंग ऑफ साहू महाराज यही आपके पेपर में आया हुआ है दैट इन लोगों के से इंस्पायर होकर ये बनाया था एंड इट इज वर्किंग फॉर द अंडर प्रिविलेज कास्ट एंड इट इज बेसिकली इन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तराखंड दिल्ली पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में तो काफी बार इट हैज बीन देयर. इन द लोकसभा 2019 इट पोल्ड अबाउट 3.63% एंड सिक्योर 10 सीट्स. भारतीय जनता पार्टी इसको तो किसी भी हालत में याद रखना किसी भी हालत में. फाउंडेड इन 1980 और इसका पहला नाम क्या था ये पेपर में वन मार्कर में आया है भारतीय जनसंघ जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था उस वक्त. लेटर ऑन इट वॉज रीनेम्ड एज भारतीय जनता पार्टी. ठीक है. इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया कल्चर वैल्यूज दीनदयाल आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म. ये एक्चुअल में 12th स्टैंडर्ड का है लेकिन अब इसके अंदर ऐड हुआ है. अंतोदया कल्चरल नेशनलिज्म. हिंदुत्व इज नॉट रिलीजन इट इज कल्चर. इट इज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट याद रखना है ये सारे याद रखने. वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वेंशन. ऑलरेडी इट हैज रिवोक्ड द आर्टिकल 370. इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटैंशली आफ्टर 1990. पहले इतना नहीं था बट आफ्टर 2014 इट हैज बीन द लार्जेस्ट पार्टी. 2014 एंड 19 में तो क्लियर मेजोरिटी थी. इस वक्त में इट इज द रूलिंग अलॉन्ग विथ आई थिंक अदर अलायंस. याद करना है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये इसके पॉइंट्स हैं. सीपीआई मेन था हमारा विच वॉज फाउंड इन 1925. सीपीआई हमारा मेन था विच वॉज फाउंड इन 1925. उसमें से स्प्लिट होकर आपका बना था 1964 में सीपीआईएम दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. इट सपोर्ट्स सोशलिज्म यानी कि इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पावर इक्वल अपॉर्चुनिटी. सेक्युलरिज्म यानी कि सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजिस इंपीरियलिज्म यानी कि रिच का पुअर के ऊपर एंड कम्युनलिज्म यानी कि किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन को सपोर्ट करना. एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीनिंग. एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल केरला त्रिपुरा. ये तो वहां पर तो बहुत है स्पेसिफिकली अमंग द वर्कर्स फार्मर्स लेबरर्स इंटेलिजेंशिया यानी कि जो इंटेलिजेंट पीपल. क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्योंकि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया एंड मोर. दे आर नॉट दैट मच यू नो बॉदर्ड अबाउट द फॉरन कैपिटल. वॉज इन पावर इन वेस्ट बेंगाल फॉर 34 ईयर्स. सोचो 34 ईयर्स. नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस द ओल्डेस्ट पार्टी. अगर आ भी गया तो ओल्डेस्ट पार्टी है एंड इट वॉज द वन विच केम विद द नेशनल मूवमेंट
और इन्हीं में से आपका बीजेपी, आपका जनता पार्टी, देन आपका ये अभी जो ऊपर आपने पढ़ा था सीपीए, ये सब आया था। इट वॉज फाउंड इन 1885, एओ ह्यूम ने इसको फाउंड किया था अलॉन्ग विथ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, एंड इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी एट बोथ नेशनल एंड सेवरल फॉर सेवरल डिकेड्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इट वॉन्टेड टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 77 तक तो इट वॉज अ रूलिंग पार्टी, फिर 80 to 81 उसके बाद इसका डावाडोल रहा, दोबारा से ये 3 बार आया, देन अब नहीं है। अ सेंट्रिस्ट मीन्स इट डजेंट सपोर्ट एनीथिंग लाइक सीपीआई, नॉर इट इज कंप्लीटली लाइक बीजेपी, बीच का रहता है सेंट्रिस्ट। इट्स द पार्टी एस्पोसिस, ये पेपर में आया है, आया था, मतलब कि कौन सी पार्टी है, तो जो एस्पोसिस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, वो आपका कास्ट है बीएसपी, और ये आपका वीकर सेक्शन है। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लीडर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2009, एंड अभी 19.5 सीट्स आ चुके हैं, इस बार और भी थे। नेशनल पीपल्स पार्टी, इट वॉज फाउंड अंडर पीए संगमा। एनपीपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन्होंने इसमें से एनसीपी हटा दिया, सो आई हैव टेकन अ आई हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एनसीपी विद यू, दे हैव टेकन एनपीपी, एंड दिस इज फॉर नॉर्थ ईस्ट। इट बिलीव्स इन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस। दैट्स वेरी ट्रू। द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इट हैज वन सीट। एनसीपी मैंने आपको करवाया था नेशनल कांग्रेस पार्टी, बट यहां पर आपका एनपीपी है, एंड इसमें आपके लीडरशिप का नाम आ सकता है पीए सांगमा, राइट? सो दिस यू हैव टू लर्न, विच आर इम्पोर्टेंट, विच आई हैव मार्क्ड। सो दीज आर सम ऑफ द नेशनल पार्टीज विच आर राइट नाउ इन योर सिलेबस। यस, ऑफ कोर्स वी हैव अदर पार्टीज ऑल्सो, बट दीज आर द मेन राइट नाउ इन द पॉलिटिकल फ्रंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ स्टेट पार्टीज एंड हाउ स्टेट पार्टीज आर नाउ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नेशनल पॉलिटिक्स, द चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज फेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द वेज दैट वी कैन उनको जो है हम रिफाइन कर सकते हैं, उनको हम ठीक कर सकते। फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द पिक्टोरियल और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? दिस इज फॉर टुडे। पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट, व्हाट इज पार्टिजनशिप, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट अ पॉलिटिकल पार्टी डस, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ पॉलिटिकल पार्टी एट द नेशनल एंड एट द स्टेट लेवल, एंड सम ऑफ द नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाट वी हैव डन टुडे।